हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द द क्वेश्चन सेज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मिनिमम इन तो हमें पे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सबसे कम हमें किस में देखने को मिलता है एटमोस्फेर एयर के अंदर एलवेरा के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है देखो हमें तीन तीन वैल्यूज इसमें याद रखनी है एक तो पॉइंट थ्री जो कि एटमोसफेयर प्रेशर के अंदर होती है बाकी 40 और 45 होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अब अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पॉइंट थ्री होता है ठीक है और मैं बोल रही हूँ कि 40 और 45 फाइव एम एम हमें याद रखना है 40 एम एम एच जी कहाँ होगा जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है 45 फाइव कहाँ होगा जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा रहता है ठीक है देन हमें एलवियलाई गिवन है एलव्योलाई की अगर हम बात करें एलवियोलाई में क्या प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम तो यहां रहेगा तो यहाँ रहेगा फोर्टी एम एम ठीक है देन हम बात करें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ज्यादा रहता है ठीक है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर कितना हो जाएगा 45 फाइव एम एम एच जी ठीक है देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कैसा चला जाएगा अगेन 40 एम एम एच जी ठीक है तो यहां पे हमें मिनिमम पूछा है मिनिमम चला जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवेंथ के लिए एनसीआरटी में पेज नंबर वन एटी सेवन पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है